क्यों कहते हो कि बेहतर नहीं होता? सच तो ये है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, गम ना करो, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफर नहीं होता। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफर नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर हम हरियाणा की करंट अफेयर हमारी चल रही थी, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हरियाणा की करंट अफेयर फरवरी हमारी चल रही थी, फरवरी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फरवरी में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका राइट आंसर होने वाले हैं भाई। आपका पिछली वीडियो में बहुत प्यार मिला, आपने वीडियो को शेयर किया, लाइक किया और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। फरवरी 2020 से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं? आने वाला एग्जाम है एस्टेट का और हरियाणा पुलिस की बहुत सारी पोस्टें आने वाली है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उद्योग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उद्योग से, उद्योग और रोजगार नीति, और उद्योग और रोजगार नीति, रोजगार नीति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 2020 ये एक नीति बनाई गई है, नीति लागू कब होगी? उद्योग और रोजगार नीति 2020 जो बनाई गई है ये कब लागू होगी? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, 1 नवंबर 2020 से लागू की गई है, 1 नवंबर 2020 से लागू की गई है। मैं आपको इस टाइम फरवरी की करंट अफेयर करवा रहा हूं, फरवरी की करंट अफेयर से ये क्वेश्चन बन गया था, उद्योग और रोजगार नीति 2020 जो बनाई गई है इसे कब लागू किया जाएगा? 1 नवंबर 2020 को लागू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काले सर से पूछा जा सकता है। किससे पूछा जा सकता है? काले सर से। काले सर कहां पर है? हरियाणा के जिला यमुनानगर में स्थित है काले सर। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण आपने पढ़ा होगा। कालेसर में कौन से वन पाए जाते हैं? साल के वन पाए जाते हैं। कालेसर में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार कालेसर में क्या होने वाला है? तेंदुओं की गिनती होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा में किस स्थान पर तेंदुओं की गिनती होने वाली है? तो कालेसर यमुनानगर में तेंदुओं की गिनती की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो एग्जाम के अंदर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे पूछा जा सकता है? खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खिलाड़ियों से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? खिलाड़ियों को 12,000 से 20,000 तक क्या देना है? हरियाणा सरकार ने मासिक वेतन देना है खिलाड़ियों को, 12,000 से लेकर 20,000 तक मासिक वेतन देना है। उसकी कुछ कंडीशन रखी गई है, मासिक वेतन देना तय किया है, इसकी कुछ कंडीशन रखी गई है। कंडीशन क्या रखी गई है वो आपको बताने वाला हूं। उस खिलाड़ी की आयु, उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष तक होनी चाहिए। उस खिलाड़ी की आयु उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष तक होनी चाहिए। और उस खिलाड़ी के ऊपर दूसरी कंडीशन क्या लगाई गई है? उसने खेल छोड़ दिया हो, खिलाड़ी हो लेकिन खेल छोड़ दिया हो उसको ये योजना जो वेतन मिलने वाला है, खेल छोड़ दिया हो। और तीसरी कंडीशन रखी है इसमें, उस खिलाड़ी ने कोई ना कोई इंडिया लेवल का मेडल जीता हो। किसका दोस्तों? इंडिया लेवल का कोई ना कोई मेडल जीता हो। क्लियर हुआ? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा खिलाड़ियों को मासिक वेतन कितना देना तय किया गया है, 12,000 से 20,000 तक। कौन से खिलाड़ियों को दिया जाएगा? जिसकी आयु 30 वर्ष तक होनी चाहिए और कंडीशन रखी गई है उस खिलाड़ी ने खेल छोड़ दिया हो, खेल खेलना
छोड़ दिया हो और कोई इंडिया लेवल का उसने मेडल जीता हो। क्लियर हुआ जहां तक? ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैंसर जो हॉस्पिटल खोला जाएगा, कैंसर अस्पताल खोला जाएगा, अस्पताल खोला जाएगा कहां पर खोला जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टोहाना, टोहाना में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? टोहाना में खोला जाएगा। टोहाना कहां पर है? फतेहाबाद जिले में स्थित है, जहां पर भाखड़ा नहर एंट्री करती है। किसमें? टोहाना में। टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है। इस तरह आप क्वेश्चन याद कर सकते हो, कैंसर अस्पताल कहां पर खोला जाएगा? टोहाना फतेहाबाद में खोला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तृतीय, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तृतीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, श्रेणी का कैंसर हॉस्पिटल कहां पर खोला जाएगा, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ये कहां पर खोला जाएगा? अंबाला में। कहां पर बनाया जाएगा? अंबाला में बनाया जाएगा। क्लियर हुआ? सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कैंसर हॉस्पिटल कहां पर, अस्पताल कहां पर खोला जाएगा? टोहाना फतेहाबाद में। अगर पूछा जाए तृतीय श्रेणी का हॉस्पिटल कहां पर खोला जाएगा, कैंसर हॉस्पिटल अंबाला में खोला जाएगा, अंबाला में तैयार किया जाएगा। क्लियर हुआ? ये आपने जो करंट फिर पढ़ा रहा हूं आपको, आपने फरवरी महीने में चले जाना है 2020 में, फिर उस समय आपको लगेगा ये बनने वाला है या बन गया है। क्लियर हुआ जहां तक? आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सेब मंडी से पूछा जा सकता है। सेब मंडी कहां पर? पिंजौर पंचकुला में बनाएगी, फूल मंडी गुरुग्राम में बनाएगी। और लाल डोरा मुक्त से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी इस बार लाल डोरा मुक्त गाम से पूछा जा सकता है, लाल डोरा मुक्त गाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गाम कौन सा हुआ है? तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? सिरसी। सिरसी उसका राइट आंसर आएगा। सिरसी कहां पर? करनाल में। ये आपको पहले करवा दिया, सिरसी कहां पर? करनाल में। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक घोषणा और कर दी है इसके साथ साथ, लाल डोरा मुक्त होंगे हरियाणा के, हरियाणा के कितने गांव? 6800 गांव। और टोटल गांव कितने हैं? 6841 है। लेकिन 6800 गांव को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त जो गांव था वो सिरसी करनाल था। क्लियर हुआ जहां तक? ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए बना है, हरियाणा की करंट अफेयर फरवरी से क्वेश्चन बना है, वो पीछे भी आपको करवा दिया, 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं? तिंगडाना, तिंगडाना कहां पर? भिवानी में। क्लियर हुआ? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी प्रदीप चहल से पूछा जा सकता है। किससे पूछा जा सकता है? प्रदीप चहल। और इसके साथ साथ, और इसके साथ साथ प्रदीप चहल के साथ साथ ही मनोज कुमार, मनोज कुमार इन्होंने क्या किया है, ये क्या करते हैं मनोज कुमार और प्रदीप चहल? क्या करते हैं? ये मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तिकार है। क्या बनाते हैं? मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तिकार है। इन्होंने क्या किया है? बर्फ पर, इन्होंने क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय बर्फ पर मूर्ति कला में पहला स्थान प्राप्त किया है। मूर्ति कला अंतरराष्ट्रीय, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय मूर्ति बर्फ पर, अंतरराष्ट्रीय बर्फ पर, अंतरराष्ट्रीय बर्फ पर मूर्ति कला में पहला स्थान प्राप्त किया, अंतरराष्ट्रीय बर्फ पर मूर्ति कला में, मूर्ति कला में, मूर्ति कला में पहला स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बर्फ बर्फ अंतरराष्ट्रीय बर्फ पर मूर्ति कला में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? प्रदीप चहल ने, मनोज कुमार ने। ये क्या है? मूर्तिकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कपिल ठाकुर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे पूछा जा सकता है? कपिल ठाकुर से। ठाकुर ये कौन है? ये पर्वतरोही है। ये कौन है दोस्तों? पर्वतरोही है। जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ तो आ रही है, कमेंट करके जरूर बताना। जैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ आ रही है, एक बार कमेंट्स जरूर करना।
कौन कौन स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, पूरी फुल सपोर्ट करते हैं, वो कमेंट्स जरूर करना। फिर उसका नाम भी लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कपिल, जो कपिल ठाकुर है, ये क्या है दोस्तों, पर्वतरोही है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी किया जोस्को, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है जिया किया, हाँ किया है, क्या भी किया, किया जोस्को, किया जोस्को पर फतेह किया है। ये कहाँ किया है, ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ किया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की है। क्लियर हुआ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी किया जोस्को में पैर में तिरंगा फिराया है। तिरंगा पूछा जाता है क्योंकि जो पर्वतरोही होते हैं जब ये चोटियों पर चढ़ जाते हैं तो तिरंगा ही लगाते हैं, लगभग क्या लगाते हैं, तिरंगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कपिल ठाकुर है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी किया जोस्को पर तिरंगा फहराया है। क्लियर हुआ, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, फरवरी महीने से शिक्षा सेतु ऐप, शायद आपको पहले भी बताया है, शिक्षा सेतु ऐप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। शिक्षा सेतु ऐप, सेतु ऐप किसके लिए बनाई है, हरियाणा के किस राज्य ने, किस राज्य ने बनाई है, भारत के किस राज्य ने बनाई है शिक्षा हेतु ऐप, सेतु ऐप, तो हरियाणा ने बनाई है। किसने बनाई है दोस्तों, हरियाणा ने बनाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली रथ भी हमने पढ़ लिया था, मेडिकल कॉलेज भी हमने पढ़ लिए थे, और 1 फरवरी को कल्पना चावला के लिए मृत्यु दिवस मनाया जाता है। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ, 1/2/2003 को इनकी मृत्यु हुई थी, 1/7/1961 को इनका जन्म हुआ था। कल्पना चावला से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो पढ़ना है, पिछली वीडियो में भी आपका बहुत साथ मिला भी बहुत, और वाटर शेड परियोजना शुरू की गई है। क्या योजना शुरू की गई है, वाटर शेड परियोजना शुरू की गई है। इसमें क्या पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, जो वाटर शेड परियोजना शुरू की गई है ये हरियाणा के कितने जिलों में शुरू की गई है, तो हरियाणा के 6 जिलों में शुरू की गई है। कितने जिलों में, हरियाणा के 6 जिलों में शुरू की गई है। वो 6 जिले कौन कौन से होंगे, हिसार, भिवानी, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक नहीं रेवाड़ी याद कर लेना, और इसके साथ साथ अंबाला, यमुनानगर। क्लियर हुआ, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर में, ये हरियाणा के 6 जिलों में वाटर शेड परियोजना शुरू की गई है। ये वाटर बनाए जाएंगे, वाटर शेड लगाए जाएंगे। क्लियर हुआ, वाटर शेड लगाए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है उसको हम पढ़ लेते हैं भाई। उद्योग भवन बनाया जाएगा, उद्योग भवन कहां पर बनाया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आपको शायद बता दिया। उद्योग भवन मानसा देवी कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा। उद्योग भवन कहां पर बनाया जाएगा, मानसा देवी कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा। कहां पर स्थित है, पंचकुला में स्थित है। मानसा देवी कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है, पंचकुला में स्थित है। इसका उद्घाटन कब किया गया, 7 फरवरी 2020 को किया गया। इसका उद्घाटन कब किया गया, 7 फरवरी 2020 को किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला ने किसका उद्घाटन किया, उद्योग भवन का उद्घाटन किया। इस तरह आप याद कर सकते हो, बड़ी आसानी से इसको पढ़ सकते हो। और धातु का चिन्ह मिला है बट्टू बुहान कहाँ का है, गांव फतेहाबाद जिले का है, जिसमें 2 किलो वजन का बताया जा रहा है और 5000 पुराना साल माना जा रहा है। धातु का एक चिन्ह मिला है बट्टू बुहान फतेहाबाद जिले में। क्लियर हुआ, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी। नेक्स्ट जो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फरवरी की करंट अफेयर करवा रहा हूं, फरवरी की करंट अफेयर करवा रहा हूं, जो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी। और किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जसपाल शर्मा से पूछा जा सकता है। किससे पूछा जा सकता है, जसपाल शर्मा से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये कहां के रहने वाले हैं, जसपाल शर्मा हिसार के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं, हिसार जिले के रहने वाले हैं जसपाल शर्मा। इन्होंने हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान मिला है, क्या मिला है, हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान मिला है। हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान किसे मिला है,
तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, जसपाल शर्मा को मिला है। हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान किसे मिला है, जसपाल शर्मा को मिला है। क्लियर हुआ। और प्राची धनखड़ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी, प्राची धनखड़, प्राची धनखड़ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। इन्होंने भी ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो झज्जर जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, झज्जर जिले के रहने वाले हैं। मुक्केबाज है, कौन है दोस्तों, ये मुक्केबाज है, मुक्केबाज। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जो प्राचीन धनखड़ है इन्होंने स्वीडन में गोल्ड मेडल जीता है। कहां पर, स्वीडन, स्वीडन में, स्वीडन, स्वीडन में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, अभी गोल्ड मेडल जीता है। और स्वीडन से क्वेश्चन एक और इंडिया जीके का बन जाता है, स्वीडन में क्या हुआ था, सर्वप्रथम दुनिया की जो पहले जनसंख्या की गई थी स्वीडन में की गई थी 1749 में, 1749 में की गई थी। लेकिन ये जनसंख्या जनगणना नियमित नहीं रही, अनियमित थी, अनियमित। क्या रही, अनियमित रही, अनियमित रही। लेकिन उसके बाद 1790 में की गई थी यूएसए में, उसके बाद भारत में की गई थी 1872 में, फिर 81 में की गई, और हरियाणा में जो पहली जनगणना हुई की गई थी वो की गई थी 1971 में बंसीलाल के समय में। और हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, 253,514,62, इस तरह आप याद कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनने वाले फरवरी से, नेक्स्ट जल्द ही वीडियो आपको मिल जाएगी, मार्च की करंट फिर हम शुरू करने वाले हैं अभी। और अंतर्राष्ट्रीय सूर्यकुंड मेला पूछा जा सकता है फरीदाबाद से, अंतर्राष्ट्रीय सूर्यकुंड मेला 1 से 16 फरवरी तक लगाया गया, कहां पर लगाया जाता है, फरीदाबाद में लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है, फरीदाबाद में लगाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय सूर्यकुंड मेला कौन सा मेला लगा था, ये कमेंट्स करके आप आंसर बता सकते हो। और उसके बाद पूछा जा सकता है इसमें जो देश था या थीम स्टेट पूछा जा सकता है, थीम स्टेट कौन रही, हिमाचल प्रदेश रही। और देश किस भाग ने लिया था, फोक्स कंट्री कौन सी थी, किस देश ने भाग लिया था, उज्बेकिस्तान ने, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने भाग लिया था। और सूर्यकुंड मेला शायद 2021 में नहीं लग पाएगा, क्यों नहीं लग पाएगा, कोरोना महामारी के कारण नहीं लग पाएगा। और आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे, जल्द ही आपको हरियाणा की मार्च की करंट अफेयर भी मिल जाएगी। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।